खंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कर्ण सागर प्रभु जी के प्रेम भक्ति बंधु भाई और बहनों, भजन सुंदर गाए, हम प्रभु जी को भी ना भूलें, उनकी शरण में है। प्रभु जी ने योग के दिव्य धाम बनाए और हम उनके आकर उपदेश सुनते हैं, उनके प्रवचन पढ़ते हैं और उनके बताए साधन करते हैं। अगर हम उनके इस प्रकार सब कुछ करें तो एक शब्द में कह सकते हैं कि हमारा जीवन जो है वो योग का हो गया। और यही करना है हमने। शास्त्र में इसके शब्द है योगानुकूल जीवन। योग अनुकूल जीवन में सब कुछ आ जाते हैं। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए ये हमें विचार करने की ज़रूरत है कि अगर हम योगानुकूल जीवन बनाए हैं, क्योंकि हम उनके उपदेशों को मानते हैं, सुनते हैं और चाहते हैं कि हम उनके बताए हुए नियम पर चले हैं, तो वो शब्द है योगानुकूल जीवन। इस योगानुकूल जीवन की व्याख्या पतंजलि ऋषि ने उस सूत्र में की है जिसमें उन्होंने कहा कि तीन चीज़ें करो तो तुम्हारा जीवन योगानुकूल हो जाएगा। और उन्होंने भी एक शब्द कह दिया कि उसके लिए क्रिया योग होता है। क्रिया योग करते रहो तो तुम योगी बन जाओगे। बहुत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने में काम चल सकता है। हमने तो गृहस्थों ने काम ही चलाया है ना। हमने कोई बड़ी ऊंची भगवान शंकर की तरह समाधि तो हमारे पास की बात नहीं है। तो योगानुकूल या ये जो कहा कि हम ये पतंजलि ऋषि के बताए हुए शब्द पर चले हैं तो तीन चीज़ें उसमें आती हैं। एक है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। हम आजकल इन्हीं के ऊपर ज़्यादा विचार कर रहे हैं ताकि हम इनको कर सकें। अगर इनको कर सकें तो फिर हमारा जीवन योग के अनुसार चलेगा। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब सोचना है कि तप क्या करें। तप का शब्द का अर्थ है कि जब हम योगानुकूल जीवन बनाते हैं तो जीवन के तीन पहलुओं को इसमें रखा गया है, एक शरीर, एक मन और एक बुद्धि। इन तीनों को का संग्रह जो है इसको हम जब ट्रेन करते हैं तो हम योगी बन जाते हैं। और इन्हीं तीन चीज़ों को इसमें बतलाया है कि हम ऐसा करें। तप क्या होते हैं? अब सोचना है कि हम तप करते हैं, क्या तप कर रहे हैं। तप का विस्तार से मतलब है कि मन को साधना, क्योंकि मन जो है वे 10 इंद्रियों का स्वामी है। उन 10 इंद्रियों का कंट्रोलर मन है और मन को इतना पक्का बनाना कि 10 के ऊपर अपना अधिकार जमा ले, सारी इंद्रियां वश में आ जाएंगी।
ये तपस्या है, मानसिक तपस्या है। दूसरे शब्द में तप कहते हैं, गीता में लिखा है सर्दी गर्मी का सहन करना, भूख प्यास का सहन करना, मान अपमान का सहन करना, ये तप है। एक तपस्वी आदि को कुछ कह दे तो क्रोध में नहीं जल्दी आएगा। अगर तपस्वी आदमी को सर्दी लग रही है तो घबराएगा नहीं, सहन करेगा, गर्मी भी सहन करेगा, भूख और प्यास को भी सहन करेगा। परंतु हम अगर घबरा जाएं तो हम तपस्वी नहीं हैं। सारी इंद्रियों का छोड़ो, कम से कम अगर हम इतना भी सोच लें और इसमें भी अगर हम और सीमित करें तो और सीमित यही करेंगे, भूख प्यास को सहन करो। ये जो तपस्या है भूख प्यास को सहन करने की, ये सारे धर्मों के अंदर है। मुसलमान भी महीना बार भूख प्यास सहन करते हैं, ईसाई धर्म में भी है। मैंने रामायण में लिखा है कि अगर तुम ईसा मसीह कहते हैं, अगर तुम्हें भराता रखा है ना भूखे हो तो पता नहीं लगे मुंह से कि भूखे, फिर पता लग गया तुमने सहन क्या किया। और हमारे धर्म के अंदर तो व्रतों का बड़ा महत्व है, पर वो तप करे तब है ना। भूख प्यास को सहन करने के लिए अगर हम महीने में 4 बार ही सहन कर लें तो भी काम चल जाएगा, हम तपस्वी बन जाएंगे। तो करने की जरूरत है, हमारा धर्म है ना। वो हर एक धर्म के अंदर कोई नियम होते हैं जो हमारे धर्म में अंदर, और वो अपने अपने धर्म के नियम पालते हैं, हमें भी मान पालने चाहिए। ये भी एक बात समझने वाली है कि हर एक धर्म के अंदर कुछ ना कुछ उनके महीने वार पवित्र होते हैं। जैसे कुछ पे तपस्या करते हैं, सत्संग करते हैं, हम ये एतवार का सत्संग कर रहे हैं, ये हमारा दिन नहीं है, ये ईसाइयों का दिन है। ईसाइयों का दिन एतवार होते हैं, सारे गिरजे बंद होते हैं, सारे घर बंद होते हैं, हमने देखा गिरजों में। मुसलमानों का शुक्रवार होता है, और हमारा कौन सा दिन है, हमारा भी है परंपरा से हमारा मंगलवार है। आप उससे पूछें, मंगलवार को नाई भी सूची करते हैं, मंगलवार को जो मांस खाने वाले मांस नहीं खाते, परंपरा का दिन हमारा भी है। ये नहीं कि मुसलमानों का या ईसाइयों का है। जब मुसलमानों का राज था तो एतवार को छुट्टी नहीं होती थी, शुक्रवार को छुट्टी होती थी। अगर हिंदुओं का राज आ गया तो एतवार या शुक्रवार नहीं होगा, मंगलवार को छुट्टी हुआ करेंगे। पवित्र दिन है, और कई लोग मंगलवार को व्रत रखते हैं। हम भी कुछ तो करें, हम कुछ भी नहीं करते, हमने अपने धर्म के नियमों को भी छोड़ दिया। अगर हम शुरू करें तो ये जो व्रत है, तपस्या है, ये हमारे शरीर को और मन दोनों को ठीक करती है। मन को सहन करने की शक्ति आती है, और शरीर को अंदर से विश्राम मिलता है। जब हम सो जाते हैं विश्राम शरीर को मिलता है, अगर ना खाएंगे तो हमारे पेट को विश्राम मिलेगा और हमारी कई बीमारियां दूर होंगी। जो ये तप करते हैं ना, उनको बीमारियां कम लगती। मैंने कई बार कहा है कि आप दिल्ली में चले जाओ, किसी डॉक्टर के दुकान पर खड़े हो जाओ, लाइन लगी हुई है, या एम के अंदर चले जाओ, लाइन लगी हुई है, आप सेंसस लो, उस लाइन में हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं। मेरा अनुमान है 80% हिंदू मिलेंगे, 20% मुसलमान मिलेंगे। क्यों? वो तप करते हैं,
महीने भर रोजे रखते हैं, उनके पेट साफ हैं और हम खाते हैं शरीर की भूख पर शायन नहीं करते और हमारे अंदर जो है वो बीमारियां पलती चल जाती। ये जो आज डायबिटीज की बीमारी है खाने से तो है, इतना खाते हैं पेट फूल जाते हैं। तो क्या करें हम, आज से अगर यहाँ से विचार करके जाए हम तो पश्चाताप करेंगे, क्यों हम किसी धर्म के अनुयायी हैं। तो मैं मंगलवार को रोटी ना खाया करूँ, मुश्किल की है। और देख कर वो कहें हाँ हम मंगलवार तो हमारा दिन है, हम भी नहीं खाएंगे, बच्चे भी नहीं खाएंगे, शरीर ठीक हो जाएंगे, डॉक्टरों के पास कम जाना पड़ेगा और फिर सहन शक्ति कम होगी। पर कैसे करें, क्या करेंगे, हम तो मंगलवार का व्रत रखें ना, तो आज मीठा खाना है, लून नहीं खाना, ये व्रत नहीं है। व्रत वो है जो मुसलमान रखते हैं, सुबह और शाम दोपहर को पानी तक नहीं पीते। हम इतना सख्त नहीं कर सकेंगे क्योंकि हम तो कमज़ोर हैं, हम तो तपस्वी नहीं हैं। मुसलमान तो हमसे बहुत तपस्वी है, अगर वो मरने के लिए आता है तो तपस्या ही है ना, हम मरने के लिए जा सकते हैं, हमारे अंदर इतनी कमज़ोरी है। कमज़ोरी इसीलिए है कि हम अपने कोई जो हमारे शाश्वत नियम हैं उन पर चलते नहीं हैं, उनको छोड़ दिया। तो महीने में चार बार तो सहन करो भूख प्यास, जब प्यास नहीं तो भूख तो सहन करो। अगर हम क्या करें, सुबह नियम है करें ना करें, सुबह दूध थोड़ा पी लिया बस, और सारा दिन बड़ी प्यास लगी तो पानी पी लिया, वो भी सादा, और शाम को हल्का भोजन खाया, और सारा दिन भूखे रहोगे तो पेट दर्द हो जाएगी, भूख लगी है खा लो फिर पूरियाँ खाने लग गए, फिर तो वो बहुत और बीमार हो जाएंगे। तो क्या मुश्किल क्या है, एक दिन भूख प्यास भूख को सहन करो, प्यास को सहन करो। हमारे धर्म तो इतना रखा है कि गर्मियों के दिन एकादशी का दिन आता है तो उन्हें कहा पानी भी नहीं पीना उस दिन, तो निर्जला काश, और हमने उल्टा से दिया प्यार के निर्जला काश दिया, आज पानी खूब पीता, हम तो शिविर ला देते, सब उल्टे काम करते। तो ये अगर तप की जब बात आती है तो कोई कुछ ना कुछ तप करें, ये हम नहीं कहते कि पार्वती की तरह ठंडे पानी में बैठो रात को, और गर्मी में तुम पार्वती का मैं रामायण में लिखा है पार्वती क्या तपस्या करती थी, ये मैंने नहीं लिखा, ये श्रीमद् भागवत में है, इतने व्रत इतना तपस्या की, इतनी तपस्या की कि उसने धीरे धीरे खाना सब छोड़ दिया, फिर आननी खाना पत्ते खाने, अब अभी और तपस्या करूंगी, पत्ते भी छोड़ दिए, बिल्कुल भूखा मैं तो पक्की तपस्या करूंगी। ये तपस्या का एक आदर्श है ना, जब पत्ते खाने छोड़ दिए तो उसका नाम हो गया अपर्णा, पत्ते भी नहीं खाते। तो जिस लिए व्रत रखती थी वो तो दूसरी बात है, लेकिन एक आदर्श उस दिन का आया कि तपस्या ये होती है, ये नहीं कि तपस्या होती है कि हमने व्रत रखा है आज मीठा बनाएंगे, वो तपस्या ही होती है, कुछ नहीं खाना। तो कुछ तो आप शुरू करें, सर्दी गर्मी सहन करें, वो करें, दसों इंद्रियों के कंट्रोल करना मन का काम है,
और मन को कड़ा कर लें तो हम तपस्या कर सकते हैं। अगर हम भूख लगे तो कहें नहीं खाना। अब ये मुश्किल होता है, मुसलमान रोजे रखते हैं ना तो बड़ा ख्याल करते हैं, महीना बारह में मुसीबत पड़ गई। धर्म है, वो धर्म को नहीं छोड़ेंगे, रखेंगे। लेकिन जब रख लेते हैं तो सब्र से रहते हैं, चलो वो भी टाइम बीत जाएगा। तो उस वक्त हम मुसलमानों के साथ आस रहते थे तो मेरे पिताजी ने एक बात बतलाई कि पहला रोज़ा रखा ना जब, तो मर्द औरत दोनों रखते थे, बच्चे भी रखते हैं। तो औरत तो घबरा गई कि आज देखो कितना मुश्किल हुआ, महीना भर कैसे रखेंगे। तो उसको सब्र देने के लिए वो एक शब्द मेरे पिताजी का मुख से मैंने सुना था। तो उसने कहा तो आदमी क्या कहता है, ये सब्र की बात है, अगर हम रखें तो हमें भी सब्र करना पड़ेगा, रात हो जाएगी तो कुछ खा लेंगे, अभी तो दोपहर है। सब्र मन क्योंकि मन को पकड़ना होता है, वो याद रखना वो शब्द जो है वो क्या कहता है आदमी औरत को, गैस बानो रोजड़े। अब तो खत्म हो गए, कितने रह गए, रह गए 9 से 20 रह गए, 29 रह गए और गए। वेल स्टार्ट इज हाफ बिगन, सब्र रखना थे नहीं, 10 बज गए अभी तो भूख लगी है, लो जी कुछ खा ही ले, क्या होता है मंगलवार क्या होता है। इतना मन हमारा कमजोर है। उसने देखो मर्द ने औरत के मन को पक्का किया कि तब क्या है, एक दिन रखा 29 दिन भी गुजर जाएंगे, देश बानो रोजरे रह गए 9 से 20। ये क्या मतलब, शिक्षा है कि जल्दी नहीं बनाना, हमने मन को पक्का करना है। तो ये तो है, हम कुछ तप करें और तप व्रत के साथ तप जुड़ा हुआ है बहुत सारे हमारे धर्मों का, चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो चाहे जैनी हो चाहे और हो, जब हम हैं पर हम जुड़े हुए नहीं हैं, हम तो काटा हो गए, करते कुछ भी नहीं। हम तो करवा चौथ भी रखते हैं ना तो भाई दिल को भूख ना लगे कहीं, तो आज तो हम रेबड़ी बना लें और खूब अपना। मुसलमान ये नहीं करते, सुबह उठते हैं जो रोटी है खा लेते हैं, शाम को वही रोटी खाते हैं, ये बनाए महीना भर क्या बनाते रहेंगे, वो रेबड़ी बनाते रहेंगे, वो नहीं करते ऐसा। भाई जो व्रत है व्रत ही होता है, हम अगर वही तो तब का एक ये मामूली निशानी है तब की, तब तो बहुत लंबी चीज है। तो पतंजलि ने कहा तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योग, तप करो स्वाध्याय करो ईश्वर भक्ति करो। तो मैंने उसने कहा था कि स्वाध्याय और ईश्वर भक्ति आपस में गुथमुक्त है, जब स्वाध्याय करते हैं तो वहां भक्ति का रास्ता मिलता है, अगर स्वाध्याय ना करेंगे तो भक्ति कैसे मिलेगी, और भक्ति करते हैं अगर स्वाध्याय नहीं करते तो भक्ति समझ नहीं आई क्या होती है। स्वाध्याय बुद्धि का काम है और भक्ति मन का काम है, मन और बुद्धि को जोड़कर ही काम चलते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि अगर तुम मेरा शरण में आना चाहते हो तो मई एव मन दत्सु मई बुद्धि में निवेश, मन और बुद्धि दोनों मेरे में जोड़ता भक्ति होगी। और ये ठीक है, जो भक्ति के साथ मन ही जोड़ते हैं बुद्धि नहीं जोड़ते उनकी भक्ति पखंड में बल जाती है, ज्ञान है नहीं और जो है करते करते हमारे जैसी आज की भक्ति हमारी है पखंड की भक्ति है, बुद्धि है नहीं। और जो केवल बुद्धि के ऊपर ही करते हैं, हमने शास्त्र पढ़े हैं हमें भक्ति करने की जरूरत है, वो
शास्त्र और ज्ञान अहंकार में बदल जाते हैं। दोनों चीज जाने थी, ज्ञान और भक्ति दोनों का मेल जो है ये पारिवारिक जीवन की तरह है। ज्ञान पुलिंग और भक्ति स्त्रीलिंग है, दोनों चाहिए। तो उसमें हमें क्या करना होगा, ऐसे ग्रंथ पढ़ने होंगे जहाँ जिसमें ज्ञान और भक्ति दोनों मिलेंगे। अपने ग्रंथ तो का संख्या कोई नहीं, इसलिए हम अगर छोटा ग्रंथ गीता कोई ले लें तो ऋषि ने भी कहा कि गीता पढ़ लोगे समझ आ जाएगी सारी गीता। सुगीता कर्तव्य कि मन शास्त्र विस्तृत या स्वयं पद्मनाभ से मुख परमात्मा निश्चित, वो बड़ा पवित्र ग्रंथ है, भगवान ने खुद उच्चारण किया है और उसमें सारे ऐसे ज्ञान हैं, सारे ज्ञान का सार है कि बाकी ग्रंथों में आपको उसमें सार मिल जाएगा। बाकी ग्रंथों में ना पढ़ोगे तब भी उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। अब भक्ति जो करें तो तुलसीदास ने भक्ति के नवदा भक्ति लिखी है, वो पढ़ते होंगे। मैं तो तुलसीदास की रामायण के पढ़ता कई बार पढ़ी है और आप सुनते होंगे कि नवदा भक्ति। गीता के अंदर उसको संक्षेप में इतना विस्तार नहीं किया, चार पांच तरीके लिखे कि इन नियमों पर हम चलें तो स्वाध्याय और भक्ति दोनों हो जाएगा। गीता का एक अध्याय है राजमार्ग, वो नौवां अध्याय है राजमार्ग गुह्य मार्ग, कि वो ऐसा आम आदमी की भक्ति कर सकता है उसमें, किसी भी स्थान पर हो, किसी भी विचारधारा को हो, किसी भी संप्रदाय को हो, ये भक्ति वो कर सकते हैं। और शर्त ये है ये भक्ति करे और शोर न मचाए। मैं भक्ति कर रहा हूँ वो ये मार। गीता की कुछ लाइनें बारे को बताऊंगा टाइम पाँच सात मिनट में, कि वो हमें अगर याद रहे तो हमारी भक्ति हम ठीक रास्ते पर चलेंगे। पहले ये बतलाते हैं इसमें, ये वही चैप्टर है, आप बेशक जाकर पढ़ लेना इस गीता में राजमार्ग गुह्य मार्ग चैप्टर है, राज विद्या राजगुह्य विद्या नाम असली नाम ये है। राज विद्या मानी एक महान विद्या है, ये रॉयल रोड है भक्ति की, और राजगुह्य बड़े इसको संभालने की जरूरत है, नहीं तो पाखंड बन जाता है। तो ये विचार हैं, चार पांच चीज़ें इसमें लिखी हैं, वो आप नोट ध्यान रखें और उस तरह हम विचार करें तो हमारी भक्ति परिपक्व हो जाएगी। हमें बहुत आडंबर की जरूरत नहीं है। इसमें पहली चीज़ है कि भगवान को सर्वव्यापक देखना, जब देखो सबके लिए है, कोई निराकार मानता है, कोई साकार मानता है, फर्क नहीं है। और भगवान है भी सर्वव्यापक, यहाँ भी तो भगवान ही है। भगवान को सर्वव्यापक देखना, सब में देखना, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी देखना, कि भ्रम है। एक तो ये चीज़ बतलाई इसमें गीता के अंदर है। दूसरी चीज़ ये बतलाते हैं कि जब हम साकार की भक्ति करते हैं तो अपने मन को अपने सामने देखें। भक्ति भाव से नमन करें, सन्मुख देख भगवान, नित्य युक्त जो इमी रहे भगवत प्रेमी जान। चलता भी हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। महाराज स्वामी जी महाराज कहते थे, देखो
भाई हमारी दाई तरफ मत चलना, मेरे साथ प्रभु जी दाई तरफ चल रहे हैं। कैसी एक शिक्षा मिल गई, हम बाई तरफ चलते थे, देखे मेरे साथ हमारे साथ प्रभु जी साथ हैं हमारे। ये है भक्ति का एक रूप कि प्रभु जी हमारे साथ हैं, अगर हम साथ मानेंगे तो साथ रहेंगे भी, जब हमें जरूरत पड़ेगी प्रकट भी हो जाती है। तो ये दूसरा है मैं कि भक्ति भाव से नमन करे सन्मुख देख भगवान नित्य युक्त, ऐसा ये नहीं। वो कहते हैं कि स्वामी सोते थे, कहते हैं प्रभु जी हमारे हमारे साथ सोते हैं, जब भूख लगती थी कहते हैं राज मेरे मालिक को भूख लगी है जल्दी लाओ, माता जी दौड़ दौड़ के आते थे क्योंकि उनको सुबह चलाने के बाद नाश्ता करते थे और कहती उनको अभ्यास था, तो ये नहीं कहते मुझे भूख लगी है, प्रभु जी को भूख लगी हर वक्त अपने साथ प्रभु जी को देखते। तो ये है गीता के अंदर कि भक्ति भाव से नमन करे सन्मुख देख भगवान नित्य युक्त, जो इमी रहे भगवत प्रेमी जान। एक तीसरा एक और स्वरूप बताते हैं भक्ति का गीता के अंदर है, वो है वही तपस्या की बात। अगर हम संसारिक इच्छा में लगे रहेंगे तो फिर भक्ति कैसे करेंगे। बात तीसरी, देख लो मन मारन की मीत लौकिक इच्छा त्याग कर भजन होए सुप्रीत, भजन होए सुप्रीत, भजन कर रहे हो और साथ आए कि अभी तो ये कुछ इच्छा बनी है ये भी पूरी करनी है, तो भजन से आदमी उठ जाएगा। तो लौकिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, संसार जितनी इच्छा त्यागे आगे अब सादगी में सुख जैसे कहा ना सादा रहो, कोई इच्छा ही नहीं, ये इच्छा हो कि मैंने ये कपड़ा पहनना हो अब मैं शाम को ये पहनना है, तो फिर वो मन वस्त्र में जाएगा भक्ति में नहीं रहेगा किसी चीज़ नहीं, चाहे खाने की हो चाहे पहनने की हो। खाने की हो कि सुबह तो ये खाया शाम को क्या खाऊँगा, भक्ति करते हुए यही विचार हो तो फिर लौकिक इच्छा रही ना। तो इसने कहा कि भक्ति के लिए लौकिक इच्छा त्याग कर भजन होए सुप्रीत, तभी है ये संक्षेप में कह रहे हैं। कहते हैं एक बात और है, कि उसमें यह है कि मनुष्य भगवान को आत्मसमर्पण करते हैं, आत्मसमर्पण वह करे ईश्वर को ममित, कि मैं तो भगवान के ऊपर सब कुछ धन कहता धन दौलत शरीर और सब भगवान के, ये भावना रखे कि मेरा कुछ भी नहीं है। तो इसमें ये शब्द लिखे अरमान में, बात चौथी भी याद रहे जो अभ्यासी होए भूल पाए कभी ना इसे मुक्ति को जगोए, आत्मसमर्पण वह करे ईश्वर को ममित, स्मरण करे भगवान को कर एकाग्रचित, और जो कोई देता है वो भगवान फिर स्वीकार करेंगे, स्वीकार करे उसका प्रभु समर्पित करे ये जो है मेरे सब की भगवान के है। तो जब ये भाव हो तो कहते हैं कि धन्य का जब खा लिया ना उसने खाना भी तो वो सच्चा था। एक में फोन आया एक लड़की का हमीरपुर से कि मैं कभी को भोग लगाती हूँ, चाय पीती हूँ, चाय का भोग लाती हूँ खाने, कि तो मैं चाय का भोग लाती हूँ कभी पी जाते हैं, पता नहीं क्या बात है मेरे तो नहीं पीते उसकी पी जाते होंगे, मैं खाना रखता हूँ कभी खा जाते हैं। मैंने फ़ोन पर सुना मैं कोई अब संभाल कर रखो
ये भक्ति को, तो वही कहा स्वीकार करें उसका प्रभु समर्पित करे वह जो है पत्र पुष्प फल तो भी ग्रहण करे जो है पत्रम पुष्पम फलों में। ये ठीक है, भगवान ऐसा करते भी हैं, वो निराकार साकार में बदल जाते हैं। ये भक्ति का एक बड़ा ऊंची है कि आपका जो कुछ आप दें भगवान स्वीकार करें, और आप माथा टेकें तो फिर माथा भी स्वीकार करेंगे आशीर्वाद भी देंगे। ये भक्ति का एक रूप बताया। ये इस ये जो राज ये चैप्टर है ना, ये नौवां चैप्टर है, इसमें ये भक्ति के अलग अलग रूप बतलाए हैं, और अखीर में एक और चीज़ बताते हैं उसके साथ ही, वो है कि हमारा एक इष्ट, एक इष्ट की कर्त जो सदा भक्ति मम मन लाग, पापी भी तर जात है होते इष्ट सहाय। गीता लिखा नहीं, अपिचे सदाचारो भजते माम अनन्य भाव ससाधुरे मंतव्य सम्यक व्यवस्था। मैं पापी हूँ लेकिन अगर भगवान के समर्पित हो जाऊँ तो मेरा पाप ध्यान ही रखेंगे, मुझे स्वीकार कर लेंगे। भक्ति होनी चाहिए, पर एक इष्ट होना, एक इष्ट की करते जो सदा भक्ति मन लाए, पापी भी तर जाते हैं उसके इष्ट आए, अवगुण उसके दूर हो, साधु वह हो जाए, अनन्य भक्ति के कारण पापी भी तर जाए। ये संस्कृत के दोहों के श्लोकों के वही शब्द हैं, और फिर इसके लिए होना यही चाहिए, इष्ट में ही चित्र में इष्ट का ही भक्त मन भर वही रहेगा। माता जी कहते थे मेरे सामने कोई कैलेंडर नहीं रखना चाहिए, जैसे ये कैलेंडर है अगर वो होती तो मैं उतारो इसको, मेरे सन प्रभु जी कैलेंडर होना चाहिए। अब हम तो लगा देते हैं, एक उनके होते नहीं लगाते थे, क्यों? उन वो कहते हैं जहाँ प्रभु जी का चित्र है, चाहे किसी के गरीब घर के चाहे हरिजन घर में है, मेरा वो तीर्थ है। त्वार को अछूत लड़की है कीर्ति के अंदर जा रहे थे, उसकी कमरे देखी माता ही ने, जो देखती अंदर चली गई माता टेक पर, और साथ वो वहाँ कुछ मेहता वगैरह थे जो प्रेस करते थे, क्यों कुटिया अलग होती है, वो भी चले गए। माता जी ने उसके खुद से नामित दिया, बाकी को दिया, और उनको पीना पड़ा, और बाहर निकल गया, अब तुम सब शुद्ध हो गए, क्यों? तुमने भेदभाव खत्म कर दिया। प्रभु जी का जो जहाँ प्रभु जी का चित्र है वो तीर्थ है, चाहे किसी का भी घर हो। तो ये है एक इष्ट के साथ, दूसरा इष्ट सामने का। तो ये है जो लिखा है ना, इष्ट में ही चित्र में इष्ट का ही भक्त, इष्ट का ही यज्ञ करे पूर्ण रूप आसक्त। तो ये चार पांच तरीके जो बतलाए भक्ति के, जो कहते हैं ना कि हमें तप करना है, स्वाध्याय करना और भक्ति करनी है, तीन चीज़ें। तो तप तो भाई शरीर के साथ कर करिए। अब हम छोड़ रहे हैं अपने धर्म को भी छोड़ रहे हैं, हमें कोई विश्वास ही नहीं, और स्वाध्याय को भी छोड़ रहे हैं। हमें उस विचार आता है कि गीता प्रेस वाले ने कितनी मेहनत से करोड़ों गीता छापी, कोई बड़ी छोटी कोई छोटी, और हम उसका कोई हमारे जितने ही हमारे धर्म में हैं मुझे 10% उसका लोग फायदा उठा लेंगे। पता नहीं क्या हो क्या गया, इतनी चीज़ें मिलें फिर भी इसका फायदा उठाएं, तो फिर इसलिए ज्ञान नहीं मिलता। स्वाध्याय और भक्ति, स्वाध्याय से ज्ञान मिलता है, भक्ति से, और वहीं से ही भक्ति मिलती है,
दोनों का मेल हो जाता है और तप मामूली बात है, हफ्ते में एक दिन 4 घंटे खाना ना खाएंगे तो कुछ हो नहीं जाता, मगर तप हो जाएगा। यही इमामत तपस्या करते हैं दूसरों की तरह और बीमारियां कम हो जाएंगी। तो आज का यह विषय है कि हम अगर हम योगानुकूल जीवन बनाना चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा। वैसे कहते हम आश्रम में जाते हैं, हम योगी हैं, वो करते हैं, कुछ करना पड़ेगा तभी बनेंगे ना। बहुत सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम।